Hello students, what's up? This is Sachin and you all are watching my channel. Okay? So, आज हम ज्योग्राफी का एक चैप्टर लेके आए हैं. अभी तक हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, मैथ्स पढ़ रहे थे, थोड़ा सा डिफरेंट है आज. Now today we are going to start our first chapter of geography, that is resources and development. Okay? So, resources and development chapter को start करने से पहले आपको ये समझना है कि ये रिसोर्सेज का मतलब क्या है. क्या है रिसोर्सेज जो हम चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये रिसोर्सेज क्या है. देखो, कोई भी चीज एनवायरमेंट में जो है, ऐसा गिफ्ट जो हमें नेचुरली मिली है, उसको हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं उसे, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज. लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस होती है, कुछ प्रोवाइडेड. देखो, एज अ डेफिनेशन, एवरीथिंग इन द एनवायरमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड, provided it is, first is technologically accessible. Technologically accessible का मतलब कि technology के use, technology के जरिए हम उसको easily निकाल सकते हैं, easily extract कर सकते हैं. जैसे आपको पता होगा diamond drilling, आपने mining का नाम सुना होगा, coal mining, ठीक है, copper mining, तो उसमें drillings use होता है, technology use होती है drill करने के लिए, open cast, जैसे mining जो होती है कई different types की होती है. जैसे ओपन कास्ट माइनिंग आपने देखा होगा, कभी पिक्चर में, मूवीज में देखा होगा, एक ऊपर से खुली हुई माइनिंग है, उसमें चारों तरफ जैसे सर्कल करते 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 नीचे तक जाते हैं, ठीक है. एक अंडरग्राउंड माइनिंग होती है जो हम डायरेक्टली अंदर जाते हैं, क्योंकि देखो सारा भी मेटल्स जो है, सारा मेटल्स कहाँ से आ रहा है, सब नीचे जमीन से आ रहा है, अर्थ से. तो उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले जियोलॉजिकली हम उसको ढूंढते हैं. ऐसे थोड़ी कहीं भी गड्ढा खोद दिया, कुछ निकाल लिया है कि नहीं. गोल्ड माइनिंग्स होती है, अपने आई थिंक कोलर गोल्ड फील्ड, अभी KGF मूवी आई थिंक सबने देखी होगी. वहां पे क्या, जो वो माइनिंग का दिखाया है वो क्या चीज है, दैट इज अ गोल्ड फील्ड. वहां पे जो माइनिंग करी गई है वो गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए गई है. ऐसी आपका पन्ना मध्य प्रदेश में, ठीक है ना. सो डायमंड की, गोल्ड की, कॉपर की, आयरन की, हर सबकी अपनी माइनिंग्स होती है, ठीक है. कॉपर की आपने फेमस, आपने सुना होगा SST में, अपने ज्योग्राफी पढ़ा भी होगा 9th क्लास में, खेतरी कॉपर माइंस, ठीक है ना. तो बहुत है ऐसे. तो हम बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब कि टेक्नोलॉजिकली से हम इजीली उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अच्छा, आपको याद होगा शायद, नहीं भी, एक जनरल नॉलेज वाली बात है ये चीज, हार्डेस्ट सब्सटेंस जो हम टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं ऐसे एक्सट्रैक्शंस में, हार्डेस्ट सब्सटेंस कभी सोचा है कौन सा हो सकता है? हाँ, इट कैन बी अ, इट इज डायमंड. पत्थर से ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है ना, दैट इज डायमंड. एक मैं आपको उसका मोर स्केल ऑफ हार्डनेस है उसकी मैं आपको बताता हूं. जैसे सबसे टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, एपेटाइट, ऐसी करते करते हम लास्ट आते हैं डायमंड. ये एक्चुअली क्या है, ये हार्डनेस है. किसी चीज को कट करने के लिए भी हम डायमंड यूज करते हैं. डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस. डायमंड आपको पता है, डायमंड सिर्फ नेकलेस वगैरह में यूज नहीं होता है, डायमंड को हम ड्रिलिंग में भी यूज कर सकते हैं. ड्रिल्स देखा है, ड्रिल्स, एक नॉर्मल ड्रिलिंग होती है जो आप अपने घर पे कील्स वगैरह लगाने के लिए भी ड्रिल करते हो, ऐसी जो बड़े बड़े रॉक्स अर्थ में ड्रिलिंग होती है उसमें भी डायमंड के एक आगे थोड़ा सा नोक यूज होता है फॉर ड्रिलिंग द हार्डेस्ट सब्सटेंस. खैर, ये तो आपके जनरल नॉलेज की बात थी, जस्ट आई टोल्ड यू कि ये हार्डनेस आप आगे काम आ सकती है. तो ये सब टेक्नोलॉजी है जिसके कारण हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सके. तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए. हम किसकी बात कर रहे थे, हम अपने कोर्स पे आते हैं, हम बात कर रहे थे रिसोर्सेज की. सो नेक्स्ट है इकोनॉमिकली फिजिबल. इकोनॉमिकली फिजिबल का क्या मतलब है भाई, सबसे सिंपल सी भाषा में, खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए. वो तो आपकी हर चीज है, कॉमन नेचुरल है. हम भी कोई चीज करने जाते सोचते नहीं खर्चा हिसाब से, ठीक है. तो इकोनॉमिकली फिजिबल यानी कि कम खर्चे में, एंड कल्चरली एक्सेप्टेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल्चरली, कल्चर्स हमारे सोसाइटी में वो चीज एक्सेप्ट होनी चाहिए, वो किसी ना किसी तरीके से हमारे सोसाइटी को हार्म ना करे, ठीक है ना. जो हमारी सोसाइटी में यूज हो तो उसको कोई हार्म ना पहुंचाए, ऐसी चीजें भी देखनी पड़ती है कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है या नहीं. तो बेसिकली हमने अभी रिसोर्सेज समझा कि रिसोर्सेज क्या होता है. रिसोर्सेज हमारे एनवायरमेंट, नेचुरली ऑकरिंग एनवायरमेंट में एक ऐसा गिफ्ट होता है हमारे लिए जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, बस सकते हैं उसमें टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो. तो इसमें सबसे जो एसेंशियल कॉम्पोनेंट है ये रिसोर्सेज को यूज करने का, वो है ह्यूमन.
ह्यूमन बीइंग क्या करता है, फिजिकली एनवायरमेंट पे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ह्यूमन क्या करता है टेक्नोलॉजी के बेसिस पे वो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करता है और उसके बाद इंस्टीट्यूशंस कंपनीज उसको, जैसे अब देखो कोई भी ऐसी चीज है, सिंपल है, हम गोल्ड माइनिंग से गोल्ड निकाल के पहन थोड़ी लेते हैं, क्या करते हैं, एक सिंपल सी आप एक एग्जांपल समझो, आपने सोना निकाला जमीन से, वही पहन लिया, वही नेकलेस बना लिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, वो एक्सट्रैक्ट होता है, उस पर प्रोसेसिंग्स होती हैं, उसको शेप्स दिए जाते हैं अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए, वो इंस्टीट्यूशंस कंपनीज में जाता है, फिर मार्केट में आता है, फिर आपके पास आता है, ठीक है। तो बीच में एक्सट्रैक्शन से लेके यहां तक बहुत ज्यादा लंबा सफर है, ठीक है। तो मेन एसेंशियल कॉम्पोनेंट कौन हुआ, ह्यूमन बींग्स। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस की। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अभी हमने क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो क्लासिफिकेशन में हम अब कुछ अलग पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंट बेसिस पे कैसे कैसे क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है, क्राइटेरियाज, डिफरेंट क्राइटेरियाज, हम डिफरेंट डिस्टिंक्शन, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंट डिफरेंशिएशन पे हम अलग अलग क्राइटेरिया पढ़ेंगे। ऑन द पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है हमारा बायोटिक एंड अबायोटिक। अब बायोटिक क्या होता है, बायोटिक देखो मैंने आपके पूरे नोट्स एक तरीके का, ये जो आपका क्लासिफिकेशन उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करके बोर्ड पे लिख दिया है, आप इजीली इससे लर्न कर सकते हो, ठीक है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट बायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट, ठीक है, लिविंग कंपोनेंट जो कि हमारे सारे ऑब्टेंड कहां से होते हैं, बायोस्फीयर से होते हैं, सारे सारे लिविंग कंपोनेंट्स जो प्रोड्यूस होते हैं दैट इज कॉल्ड बायोटिक। एग्जांपल्स, एग्जांपल्स क्या होंगे, हमारे फ्लोरा, फौना, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, लाइफ स्टॉक, फिशेज, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स आते हैं बायोटिक में। नेक्स्ट आता है हमारा एबायोटिक, एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स जो कि नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स होते हैं देट आर एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग होते हैं जैसे रॉक्स, मेटल्स, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन, अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, एनसीईआरटी में आपका क्लासिफिकेशन नेचुरल एंड मैनमेड ह्यूमंस उसके बेसिस पे अलग एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका डीप क्लासिफिकेशन है जो हम थोरली पढ़ रहे हैं, वो टेबल भी इसी से रिलेट होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ यूज, ठीक है, कितनी लिमिटिंग उसकी, कितना हम उसको यूज कर सकते हैं लिमिट में, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ यूज के बेसिस पे आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं दैट कैन बी प्रोड्यूस, रीजनरेट, रिपब्लिश बाय द प्रोसेस ऑफ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है, बाय इतने प्रोसेस से किसी भी तरीके से हम किसी रिसोर्स को हम रीजनरेट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स में हम क्या लेंगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रिन्यूएबल, बिकॉज दे कैन बी रीजनरेटेड, दे कैन बी रीयूज्ड, ओके। सो नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसी का ही उल्टा, दैट इज कैन नॉट बी रीजनरेटेड और कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, ठीक है। अब अच्छा ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो दोबारा रिप्रोड्यूस क्यों नहीं हो सकते, दोबारा रीजनरेट क्यों नहीं हो सकते, देखो सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा आपको यहां पे समझना पड़ेगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे एग्जांपल हम लेते हैं इसी का, फॉसिल फ्यूल्स का, कोल, पेट्रोलियम, ये जो है दिस आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बर्निंग के बाद दोबारा इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते किसी प्रोसेस से, लेकिन ये दोबारा कैसे बन सकते हैं, पता है ये जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रीजनरेट। अब ये लॉट ऑफ टाइम कुछ ऐसा नहीं है कि 2 साल 4 साल, वी आर टॉकिंग अबाउट द मिलियन ऑफ इयर्स, मिलियन ऑफ इयर्स मतलब जियोलॉजिकल टाइम, यहां पे मैंने अंडरलाइन करा, देखो जियोलॉजिकल टाइम, एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है, जस्ट गो ऑन द गूगल एंड सर्च इट जियोलॉजिकल टाइम स्केल, आपको उसमें बहुत ही अच्छी एक टेबल मिलेगी, वो टेबल पता है कब की है, दैट टेबल टेल्स यू अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्थ, कब ये पृथ्वी कब बनी थी, ओरिजिन ऑफ अर्थ आज से 4 billion years ago या 4 billion years ago जो आपका फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, फर्स्ट रॉक जो फॉर्म हुए थे, दैट इज द ओरिजिन, जिसे हम एज ऑफ अर्थ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एज ऑफ अर्थ, कहीं पे 3.9 एंड समथिंग भी होगा तो हम अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जो लेते हैं दैट इज 4 billion years ago। उसके बाद जो हम एरास की बात करेंगे, ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना, ये आपको डिफरेंट कैटेगरी में बताती है, मतलब कि जब अर्थ बनी, ठीक है, इसको आप डायग्रामेटिकली समझना,
यहां पे मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, मतलब यहां पे ये आपका एज ऑफ अर्थ है, इसको मान लेते हैं हम 4 billion years ago, ठीक है। यहां पे आपका फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यहां से वो स्केल प्रेजेंट टाइम तक जो जो हमारे अर्थ पे हुआ, कब कब क्या क्या हुआ, कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ, कैसे कैसे लाइफ जनरेट हुई, ये सारे आपके वैरायटीज फॉर्मेशन ऑफ अर्थ से लेके प्रेजेंट टाइम तक की एज के साथ उसमें मेंशनड है। उसमें एराज है, एरा पीरियड, ठीक है। तो डिफरेंट उसमें आपको वो दिया हुआ है, जैसे सबसे पहले आर्कियन, आपने नाम सुना होगा आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, मेसोजोइक, पैलोजोइक, सीनोजोइक, उसके अलावा जो उसके पीरियड्स है उसमें भी आपने सुना होगा, जैसे जुरासिक, जुरासिक वर्ल्ड, आपने जुरासिक पार्क मूवी भी देखी होगी जब डायनासोर्स का एज का टाइम था, ठीक है। टर्शियरी जुरासिक, फॉर्मेशन ऑफ ये लिविंग बींग्स, वाटर, ये धीरे धीरे कैसे पृथ्वी पे आया, पूरी स्केल में उसकी फॉर्मेशन के दे रखा है, ठीक है। तो वही चीज हम बात कर रहे थे कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, मैं बता रहा था कि जियोलॉजिकल टाइम हम जब बात करते हैं तो मिलियन ऑफ ईयर्स की बात करते हैं, वरना टाइम स्पेन बहुत ही लॉन्ग, मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम स्पेन होता है इसका मिनरल्स या फॉसिल फ्यूल्स का रीजनरेट होने के लिए। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी यूज टू पुट इट इन द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ, इन द कैटेगरी ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, ओके। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इन द टू वेज, दैट इज द रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। दो कैटेगरी में और डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम इसको, रिसाइकलेबल एंड रिसाइकलेबल कौन सी होती है, ऐसी रिसोर्सेज जैसे आप प्लास्टिक एग्जांपल मान लो, जो कि आप दोबारा रीजनरेट कर सकते हो यूजिंग सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इफ पॉसिबल। एंड नॉन रिसाइकलेबल इसलिए नहीं क्योंकि हमारे फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो बर्निंग होने के बाद काफी ज्यादा टाइम लेते हैं, तो वो नॉन रिसाइकलेबल, वो तो आपका सेम नॉन रिन्यूएबल ही आ गया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी।